नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तिल तिल मारता है तेजा, दरिंदगी भरी सोच के सामने बौना है कानून। दिल्ली में कंजावला केस की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है, वहीं अब एक और ऐसा ही मामला दिल्ली के पांडव नगर से सामने आया है। यहां 31 दिसंबर को दिन दहाड़े दिल्ली में एक और लड़की को बेरहमी से कार से खींचने की कोशिश की गई है। इस पर आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। एसिड अटैक पीड़िता को समाज की छोटी मानसिकता के कारण उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ता है। पीड़िता को सामाजिक कलंक, सामाजिक अलगाव और मनोवैज्ञानिक आघात के कारण उनके आत्मसम्मान पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। आज ऐसे ही मौतों के आंकड़ों की तस्वीरों से आपको अवगत कराते हैं। AFSI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 800 से ज्यादा हो चुकी है घटनाएं। हर साल 100 से 500 मामले आते हैं सामने। भारत जैसे देशों में हर साल एसिड हमले काफी बढ़ रहे हैं। हाल ही में एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन इंडिया AFSI ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 5 सालों में 800 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में हर साल औसतन 100 से 500 एसिड अटैक के मामले सामने आते हैं। बीमारी से भी पीड़ित हो सकती है, अगर टाइम पर इलाज नहीं मिला तो मर भी सकती है। राजधानी दिल्ली में लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद अब एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में श्रद्धा मर्डर केस के बाद देश भर के लोगों का आक्रोश खत्म नहीं हुआ था कि एक बार फिर से 20 वर्षीय युवती के साथ हुई दरिंदगी के बाद दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। आज राजधानी दिल्ली में पढ़ने वाली छात्राओं ने देश के कानून से न्याय और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवाज उठाई। इन छात्राओं का कहना है कि बेटी के घर से निकलते ही माता पिता को उनकी चिंता होने लगती है, अगर लड़कों के परिवार वाले उन पर एक्शन ले तो सड़क पर लड़कियां सुरक्षित हो जाएंगी। तेजाब खरीदना सब्जी खरीदने जितना आसान है। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा कि तेजाब की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद लोग इसे सब्जी की तरह आसानी से खरीद सकते हैं। मालीवाल का ये बयान स्कूल जा रही 17 साल की एक लड़की पर दिल्ली में तेजाब से हमले की घटना के बाद आया। घटना के बाद तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाजारों में तेजाब की बेतहाशा बिक्री पर सवाल उठाए और दावा किया कि इस पदार्थ पर बैन सिर्फ कागजों में लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब बिक्री पर दिया था सख्त आदेश, खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध 2013 में लगाया था प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेअसर। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में तेजाब हमलों की संख्या में वृद्धि के बाद इसकी खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था और राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि वे प्रत्येक तेजाब हमले की पीड़ित को 3 लाख रुपए का मुआवजा दे। मालीवाल ने कहा कि तेजाब की बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए आयोग अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। उन्होंने कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोग की बार बार की सिफारिशों के बावजूद तेजाब की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बाजार में खुलेआम तेजाब बेचा जा रहा है। वास्तव में तेजाब प्राप्त करना उतना ही आसान है जितना कि सब्जियां खरीदना। दिल्ली महिला आयोग ने कहा कि उसने लड़की और उसके परिवार को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। DCW की टीम अस्पताल में लड़की के साथ है। आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। इसमें गिरफ्तार किए गए आरोपियों के विवरण के साथ प्राथमिकी की एक प्रति मांगी है। गृह विभाग को भेजे अपने नोटिस में अने ने कहा कि देश भर में खासकर दिल्ली में तेजाब आसानी से उपलब्ध है। उसने कहा DCW ने बार बार तेजाब की खुदरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, हालांकि आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। अपराध से जुड़ी खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।
सच साहस सरो